संविधान की रूपरेखा तय करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस भाजपा सहित अन्यों ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के लगाए नारे। संविधान का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की मूर्ति पर कई संगठन के लोगों ने मालाएं अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहां पहुंचे नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को महान पुरुष बताते हुए कहा कि देश की तरक्की में गरीब और पिछड़ों की भूमिका निश्चित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने महती भूमिका दिलाई है। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि के चलते ही वर्षों से पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सम्मान मिल पाया है। बाबा साहब का निर्वाण दिवस है और इस निर्वाण दिवस पर हम सब उनको श्रद्धा से यहां नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, ना केवल संविधान दिया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और संगठन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने दिए। और जिस तरह से हम संविधान को देखते हैं, आज 70 साल बाद भी आज हमारा संविधान समसामयिक है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अजमेर शहर कांग्रेस की तरफ से पुष्पांजलि का आयोजन रखा गया और निश्चित रूप से उनको उनके आदर्शों पर चलने का हम लोग एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि निश्चित रूप से देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है उसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पचनों पर चल करके निश्चित रूप से देश का भी भला होगा और आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा। आज अजमेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के अंदर आज अंबेडकर सर्किल पर जो बाबा साहब को माल्यार्पण श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा, आज कार्यकर्ताओं में, अनुसूचित वर्ग के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उमंग और हर्षोल्लास के साथ से आज ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सानिध्य के अंदर पूरे देश में जगह जगह ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। मैं सभी अनुसूचित वर्ग और आयोग की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और ऐसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत बड़ी कीर्तिमान एक भवन, 192 करोड़ का भवन जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर 15 जनपद उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बाबा साहब का पुण्यतिथि, बासठवीं पुण्यतिथि मना रहे जा रहे हैं हम। बाबा साहब जो भारत को संविधान जो लिखा और बाबा साहब ने जो गरीब आदि गरीबों के लिए और दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो संविधान के अंदर अधिकार दिए, उनकी वजह से बाबा साहब को जाना जाता है और वर्ल्ड ऑफ सिंबल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और बाबा साहब जब तक भारत का संविधान रहेगा, जब तक बाबा का नाम अमर रहेगा। और बाबा साहब ने दलितों के लिए सब कुछ की बलिदान किया और उसके नाम को हम लोग सभी भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं। और बाबा साहब के बारे में जितना हम बताएंगे उतना ही कम है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने हमारे राज्य सरकार में माननीय मंत्री, हमारे एस सी आयोग के माननीय उपाध्यक्ष खुलिया जी, हमारी जिला प्रमुख महोदय और हम सब लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। और जिस प्रकार से सामाजिक समरसता के लिए बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया, उसके अंदर अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। और आज हम सब ने बैठकर यहाँ पर ये संकल्प लिया कि बाबा साहब के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए हम समरसता का और समानता का वातावरण पूरे देश के अंदर बनाएंगे, हमारे शहर के अंदर बनाएंगे। हमने आज प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। उन्होंने निर्माण दिवस के ऊपर जिस प्रकार से बाबा साहब का सम्मान बढ़ाया, उसके लिए हम सब अजमेर के नागरिक, हमारे सभी वर्गों के, समुदायों के सभी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको शशद नमन, शशद वंदन। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी पदाधिकारी और साथीगणों ने जो है यहाँ आकर बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प सुमन अर्पित किए। और जिस तरह संविधान के रचयिता और सभी समाज वर्ग को एक समानता पर लाने का जो उनकी सोच थी, आज वो निश्चित तौर पर हमारे देश में कामयाब हो रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह जो जीने का मार्ग बताया और देश को एक अपना सुशासन और कुशल बनाने के लिए जो उन्होंने मार्ग बताया, उस पर चलकर हम सब जो है आगे उन
उनकी सोच के हिसाब से हमारा देश बने, यही मेरी कामना अजमेर शहर जिला कांग्रेस की कमेटी की ओर से उन्हें पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बाबा अंबेडकर साहब की आज निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आज युवा मोर्चा शहर जिन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की है, निश्चित तौर पर हमारे बाबा साहब बहुत से हम लोगों को एक प्रेरणा दी है। जिस प्रकार से आज हमारी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने आज बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजे गया, ऐसे ही आज उन्होंने 52 करोड़ से बहुत सी हमारी एक स्टैचू का निर्माण हुआ है। साथ ही ऐसे बहुत सा भवन जो आज इतिहास में ये पहली बार है जो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनको और हमारे सभी युवा साथीगण कि यह आपका एक अपना प्रयास है कि आज हम सभी के प्रयास से आज ये हम लोगों को एक निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में एक नया लाभ हम सभी को मिला है। मैं सभी हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी हमारी बात आई थी कि यहाँ पर सफाई अभियान को लेकर, मैं आप सभी को मीडिया माध्यम से भी आप सभी को ये आह्वान करना चाहती हूँ कि एक हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पर अगर हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई गंदगी हो गई है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि यहाँ पर प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन, पूरा जिला शहर या गाँव हो, सभी अपना पूर्ण कर रहे हैं। और आज अजमेर जिला पूरा ODF हो चुका है और स्वच्छ भारत अभियान में ये अजमेर जिला है जो हमारी पहल कर रहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर सफाई व्यवस्था करती है। तो सभी मीडिया के माध्यम से भी मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आम जनता को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस नैतिक जिम्मेदारी को हम भी पूर्ण करें। धन्यवाद। महान समाज सेवी, एक महान विधिवक्त और एक महान जो विधान के संविधान निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के आज हम पुण्यतिथि मनाने आए हैं। उनके जो विचार थे अगर आप हम देखेंगे और उनको हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो शायद देश की दशा और दिशा कुछ हो रही होगी। उन लोगों ने कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो शिक्षित बनो, नेक बनो और संगठित रहो। उनका मतलब था कि अगर शिक्षा पर पूरे समाज में होगी तो कोई भी उस समाज को पिछड़ने में कोई पिछाड़ ही नहीं सकता। हम चाहते हैं कि उनकी शिक्षाओं को पूरे जगत में फैलाया जाए। इसके अलावा वो देखते थे कि उन्होंने एक बात और कही थी कि हम किसी भी समाज का मापदंड उनकी महिलाओं की प्रगति से ही कर सकेंगे। इसका मतलब वो चाहते थे कि समाज की महिलाएं आ गए हैं, पूरे देश की महिलाएं आ गए हैं और उन्होंने भरसक प्रयास किए थे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। और अपना जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो दूसरे देश देखते हैं हमारे भारत के संविधान निर्माता ने किस तरह से एक संविधान निर्माण करके पूरे देश को, पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम की थी।